आज उत्तर प्रदेश की दो रिक्त एमएलसी सीटों के लिए मतदान संपन्न हुआ। इस मतदान ने यह बता दिया कि ओम प्रकाश राजभर भारतीय जनता पार्टी के साथ गए हैं, ऐसा महसूस हो रहा था। ओम प्रकाश राजभर अपने विधायकों के साथ वोट देने गए, वोट देने के बाद जब बाहर निकले तो उनके साथ उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी भी साथ थे। और जो दोनों नेताओं की बॉडी लैंग्वेज थी, दोनों नेताओं ने जिस प्रकार वहां उपस्थित लोगों का अभिवादन स्वीकार किया, दोनों नेताओं ने वहां की जिस प्रकार प्रेस को फेस किया, वो सब देखने से यही लगता है कि ओम प्रकाश राजभर ने भारतीय जनता पार्टी का समर्थन कर दिया है। हमने 2 दिन पहले कहा था अपने चैनल पे कि ओम प्रकाश राजभर निकट भविष्य में जून के महीने में उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है। और यह कहा जा रहा है कि इस मंत्रिमंडल में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी शामिल होगी और श्री ओम प्रकाश राजभर मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ लेंगे। उसकी एक वानगी आज दिखाई गई। आज की जो दोनों नेताओं की गलबहियां, दोनों नेताओं ने हाथ आपस में मिला के ऊपर उठाया, पत्रकारों का जिस तरह से उन्होंने अभिवादन किया, तो वह सब देख के ऐसा लगता है कि मामला बिल्कुल फिट है, सिर्फ डेट की जरूरत है जिस दिन उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, ऐसा करीब करीब महसूस हो गया है। सबको आभास हो गया है कि ओम प्रकाश राजभर उस मंत्रिमंडल के सदस्य हो जाएंगे। बस साथियों, वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। हमारे चैनल पे मेहमान हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं, सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।